फैशन के दौर की पहचान मेटालिक्स शोरूम धमाकेदार ऑफर्स के साथ आज ही संपर्क करें। मेटालिक्स फॉर मेंस बालाजी मंदिर अपोजिट बाटा शोरूम नियर अन्ना इडली राम मंदिर रोड बीजापुर। चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आए, कल सरकार भी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 वर्षों होने वाली घटना है, होती है, उसके अपने नियम है, डायनेमिक्स है, उसके अनुसार होता है। अपने देश के संचालन के लिए कुछ निर्धारण करने वाला वो प्रसंग है, महत्वपूर्ण है, लेकिन हम चर्विचर्वण करते रहे, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों कैसे, इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते। हम अपना कर्तव्य करते रहते, लोकमत परिष्कार का प्रतिवर्ष करते हैं, प्रति चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया है। चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें दो पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए, परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे लोग, संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनस सह चित्तमेशाम। इस सहचित्त पर विनोबा भावे जी की टिप्पणी है। वो कहते हैं कि ऋग्वेदकारों को मानवीय मन का कितना ज्ञान था, ये समझ में आता है। सब जगह उन्होंने सम कहा है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मना, लेकिन चित्त के बारे में सम नहीं कहा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का चित्त मानस अलग अलग होता ही है, और इसलिए 100% मतों का मिलान होना संभव नहीं है। लेकिन जब समाज में लोग अपना चित्त अलग अलग होने के बाद भी हमको साथ ही चलना है ऐसा निश्चय करते हैं, तो सहचित्त बन जाता है। वास्तव में संसद क्यों है, उसमें दो पक्ष क्यों है, इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के दो पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के दो पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है, ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने, इसलिए संसद बनती है। लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है, और इसलिए हम बहुमति का आसरा लेते हैं। उसके लिए स्पर्धा चलती है, स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गट बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया, और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया, टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का यह उपयोग है? सज्जन विद्या का यह उपयोग नहीं करते। विद्या विवादाय ये खलस्य, ऐसा कहा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशाम परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का उपयोग प्रबोधन करने के होता है, करने के लिए होता है, लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई, आखिर सबको देश ही चलाना है ना।
दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए, वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई एनडीए की। अब एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, कौन उस पर ध्यान देगा? दीनियात और अरबिक लैंग्वेज के साथ स्मार्ट क्लासेस, वाटर फिल्टर की सहूलत, बच्चों की तबीयत का भी रखेंगे ख्याल। एडमिशन ओपन इंशाल इंग्लिश मीडियम स्कूल, नर्सरी से 10th तक वैन की सहूलत के साथ आपके बच्चों को दुनिया की तालीम के साथ साथ मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार बनाने और आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का साथी इंशाल इंग्लिश मीडियम स्कूल, महबूब नगर नियर अजहर ग्राउंड, इंदिरा नगर, JM रोड, बीजापुर।